गाइस फाइनली शोमी का जो रेडमी नोट 8 सीरीज थी वो आज चाइना में अनाउंस कर दी गई है। तो गाइस इस वीडियो में आपको रेडमी नोट 8 प्रो की स्पेसिफिकेशन और रेडमी नोट 8 की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर ले रेडमी नोट 8 प्रो की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो रेडमी का जो नोट 8 प्रो है उसमें आपको 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है सामने वाले साइड और पीछे वाली साइड। उसके बाद हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडिया टेक का हीलियो G90T देखने के लिए मिलता है जो 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, और इसमें आपको माली का G76 GPU देखने के लिए मिलता है। बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा जो बेस्ड होगा इनकी MIUI 10 पर। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो जो इसका बेस वेरियंट है उस जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 14,000 से स्टार्ट होती है, जिसमें आपको 6GB की रैम 64GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। उसके बाद जो सेकंड वेरियंट है उसकी प्राइस आपको 16,000 रुपये देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, और एक हायर वेरियंट है जिसमें आपको 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, उसकी प्राइस आपको 18,000 रुपये देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हम बात करें इसके कैमरास की, तो कैमरास में आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको सैमसंग का GW1 वाला सेंसर दिया गया है जो अपर्चर F1.8 पर बेस्ड है। उसके साथ ही आपको LED फ्लैश भी देखने के लिए मिलती है, और इसके कैमरास में आपको EIS का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और सभी तरह के फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जो सेकंड कैमरा देखने के लिए मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है जो अल्ट्रा वाइड एंगल का काम करेगा। 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ शॉट्स क्लिक करने के लिए कैमरा देखने के लिए मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो शॉट्स क्लिक करने के लिए कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो बेस्ड होगा अपर्चर F2.4 पर। उसके बाद हम बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो अपर्चर F2.0 पर बेस्ड है, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो इसमें आपको 3.5 FM ऑडियो जैक भी देखने के लिए मिलता है, FM रेडियो का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर डुअल 4G वोल्टेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, USB टाइप सी का पोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और ये जो स्मार्टफोन है वह क्विक चार्जिंग 3.0 और क्विक चार्जिंग 4 प्लस को भी सपोर्ट करता है। और मैं आपको बता दें कि जो आपको चार्जर मिलेगा वो आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने के लिए मिलेगा 18W का। उसके बाद जो रेडमी नोट 8 प्रो है उसमें आपको 3 कलर देखने के लिए मिलते हैं, एक वाइट, एक ग्रीन और इलेक्ट्रिक ग्रे देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको 3 कलर ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, और इसकी जो सेल स्टार्ट होगी चाइना में वो 3 सितंबर को स्टार्ट होगी। उसके बाद हम बात करें रेडमी के नोट 8 की, तो रेडमी का जो नोट 8 है उसमें आपको 6.39 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, और आपको दोनों स्मार्टफोन में वाटरप्रूफ नॉच डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 665 देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको अर्डिनो का 610 GPU देखने के लिए मिलता है। तो वैसे ये जो प्रोसेसर है वो रिसेंटली हमें शोमी के Mi A3 में देखने के लिए मिला था, जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम बात करें रैम स्टोर वेरियंट और इसकी प्राइस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 3 रैम स्टोर वेरियंट के साथ चाइना में लॉन्च किया गया है, एक 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज, 6GB की रैम 64GB की स्टोरेज, 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो माइक्रो SD कार्ड के द्वारा। उसके बाद जिसकी प्राइस है वो काफ़ी अच्छी रखी है, दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइस आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। इसके जो बेस वेरियंट की प्राइस है वो 10,000 से स्टार्ट होती है, जो सेकंड वेरियंट है वो 12,000 से स्टार्ट होता है, और जो थर्ड वेरियंट है उसमें आपको 14,000 की प्राइस देखने के लिए मिलती है। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छी प्राइस देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हम बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन के बारे में, तो इसमें आपको एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा जो बेस्ड होगा इनकी MIUI 10 पर। उसके बाद हम बात करें इसके कैमरास की, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको सोनी का MX586 वाला सेंसर दिया गया है, और इसके कैमरास में आपको फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, EIS का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जो बाकी के 3 कैमरेज है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलते हैं, आपको रेडमी के नोट 8 प्रो में देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको तीनों ही कैमरे सेम देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिलता है जो बेस्ड है अपर्चर F2.0 पर, और इस स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर का सपोर्ट दिया गया है, 3.5 mm ऑडियो जैक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, और ये जो स्मार्टफोन है वो भी स्प्लैश प्रूफ आपको देखने के लिए मिलता है, और ये जो स्मार्टफोन है वो डुअल 4G वोल्टेज का सपोर्ट करेगा, ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, और इस स्मार्टफोन में आपको USB टाइप सी की जगह माइक्रो USB का पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन की काफ़ी डाउनग्रेड हो गया है, जो रेडमी का नोट 7 था उसमें आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने के लिए मिलता था, जबकि जो रेडमी का नोट 8 है उसमें आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। तो इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, और आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, बट जो चार्जर मिलेगा वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसकी जो सेल स्टार्ट होगी चाइना में वो 17 सितंबर से स्टार्ट होगी, और इसमें आपको 3 कलर देखने के लिए मिलते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट।
तो गाइज ओवरऑल ये स्मार्टफोन है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, और इंडिया में अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इंडिया में जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं। इंडिया में जो आपको रेडमी नोट 8 प्रो का बेस वेरियंट देखने के लिए मिलता है वो 4 GB की रैम 64 GB वाला वेरियंट ही देखने के लिए मिलेगा, जिसकी प्राइस ये 14,000 रखेंगे। उसके बाद जो आपको रेडमी का नोट 8 है उसमें आपको 3 GB की रैम 32 GB की स्टोरेज वाला वेरियंट देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको 10,000 की प्राइस देखने के लिए मिलती है। तो गाइज ओवरऑल ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, तो देखते हैं कि इंडिया में कब लॉन्च होते हैं। बट ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि जो इंडिया में आपको ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा वो आपको नवंबर या अक्टूबर के मंथ में देखने के लिए मिलेगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहूँ। थैंक यू।